बाहर से उत्तराखंड आने वालों को बिना जांच के नेगेटिव रिपोर्ट देने वाले 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एंटीजन टेस्ट के नाम पर एक बड़ा खेल सामने आया है। आपको बता दें कि सरकार ने उत्तराखंड में आने से पहले नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किच्छा में यूपी और अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को बिना कोरोना जांच किए ही नेगेटिव बताकर प्रदेश में प्रवेश देने का खुलासा हुआ है। बॉर्डर पर जांच करने वाली निजी ब्लैब कर्मी यात्रियों के सैंपल लेने के बाद स्वैब स्टिकर डस्टबिन में फेंक रहे थे, जबकि रजिस्टर में निगेटिव रिपोर्ट दर्ज की जा रही थी। कंपनी पिछले 6 दिन से पुल भट्टा में जांच कर रही है। इसके अलावा यही कंपनी जिले के अन्य बॉर्डरों पर भी जांच कर रही है। ऐसे में आशंका है कि इसी तरह जिले भर से हजारों लोगों को कुमाऊं में बिना जांच प्रवेश दिया जा रहा है। मामले में पुलिस ने जांच टीम के 8 सदस्यों को हिरासत में लिया। देर शाम तक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड में यूपी और अन्य राज्यों से लगी सीमाओं पर कोरोना जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने निजी लैब से अनुबंध किया है। इसके तहत बाहर से आने वाले हर यात्री की रैपिड एंटीजन जांच अनिवार्य है। 27 मई से किच्छा के पुलभट्टा बॉर्डर समेत जिले की कुछ सीमाओं पर एक निजी कंपनी ये जिम्मेदारी निभा रही है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली कि पुलभट्टा बॉर्डर पर यात्रियों के सैंपल तो लिए जा रहे हैं, लेकिन सैंपल लेने में इस्तेमाल होने वाली स्वैब स्टिक, नाक में डाली जाने वाली डंडी को जांच करने के बजाय डस्टबिन में फेंक दिया जा रहा है। इसके बाद यात्रियों को निगेटिव बताकर रजिस्टर में एंट्री की जा रही है और लोगों को उत्तराखंड में सीधे प्रवेश दिया जा रहा है। मौके पर दस्तावेजों की जांच से साफ हुआ कि कंपनी कर्मियों ने रजिस्टर में कुल 103 जांच दिखाई थी, जबकि मानक के अनुरूप सिर्फ 6 जांच की गई थी। इस पर पुलिस ने कोरोना जांच टीम के 8 सदस्यों को हिरासत में लिया। पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। बॉर्डर पर यात्रियों के बिना जांच किए रजिस्टर में निगेटिव दिखाने की शिकायत मिली थी। मौके पर शुरुआती जांच में ये बात साफ हो पाई। इसमें निजी लैब के 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही लैब को ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी चल रही है। जन खबर के लिए देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। हाँ, ये हमारे संज्ञान में भी आया है कि वहाँ पर किच्छा पर जो एक पैथोलॉजी एंटीजन टेस्ट करने के लिए अधिकृत की गई थी, उसके द्वारा जो है इस तरह का कृत किया गया, तो वहाँ के प्रशासन ने भी बहुत जल्दी इसमें एक्शन ले लिया और साथ में जो हमारे अस्पताल किच्छा अस्पताल का जो इंचार्ज है उसके द्वारा इस कंपनी के अगेंस्ट FIR लॉन्च भी कर दी गई है। नहीं, चुनाव तो ये होता है कि भाई ICMR अप्रूव होनी चाहिए और जिस भी कंपनी को जो पैथोलॉजी होते हैं, पैथोलॉजी लैब्स होती हैं, उनको ICMR से अधिकृत कर दिया जाता है। तो ICMR अधिकृत तो थी वो, लेकिन अब बाहर में इससे कि अधिकृत किया जा रहा है तो डेफिनेटली उन लोगों के अगेंस्ट FIR लॉज इवन ब्लैक लिस्टिंग में भी डाल दिया जाता है, तो ये कार्रवाई कर ली जाएगी। नहीं, इसकी जानकारी अभी हमारे CMO जो हैं उसकी जा रही है, पूरी जानकारी देंगे क्योंकि इसके अगेंस्ट उसकी कार्रवाई भी की जा रही है और उसकी जितनी भी आख्या पूरी जो उसके द्वारा क्या क्या करा गया उसकी जानकारी तुरंत आ जाएगी, CMO द्वारा दे दी जाएगी। बिल्कुल बहुत गलत काम किया, बहुत ही गलत काम किया है, जिसके लिए उस कंपनी को जो भी कर रही थी उसको तो काम भी नहीं दिया जाएगा, साथ में अगेंस्ट FIR लॉन्च हो ही गई है और ब्लैक लिस्टिंग भी हो जाएगी। डेफिनेटली सबको इस तरह से अलर्ट करा जाएगा, निर्देश जारी भी दे दी गई, पहले से ही पता था, ये तो पहले से ही ये निर्देश जारी हैं कि आपके जब इस तरह के काम दिए जाते हैं तो ये उनके ऊपर सुपरविजन होना चाहिए, ये क्योंकि देखा ही जाता है, क्योंकि वो टेस्ट जितने भी कर रहे होते हैं वो टेस्ट अल्टीमेटली देखा भी जाता है कि किस तरह से किए जा रहे हैं, तो ये संज्ञान में आया तो तुरंत उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर ली गई है।
ये जिला स्तर से ही होता है, क्योंकि जो होती हैं वो जिला स्तर से ही काम कर रहे होते हैं, तो वो जिला स्तर से ही उनके ऊपर मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि वहीं से वेरीफाई होकर ही वो टेस्ट जो दिए जाते हैं वो वेरीफाई भी वहीं से होते हैं, तो जिला स्तर से ही वो टीम करते थे, वही इसके अगेंस्ट कार्रवाई करके हम लोगों को बताते हैं। हाँ, ये हमने अपने जिला मतलब लाइक स्टेट लेवल से भी इसके हम लोग एक टीम गठित कर लेंगे, जिससे कि बीच बीच में कभी, क्योंकि देखिए कोविड के समय पे बहुत ज्यादा आना जाना नहीं हो पाता है, लेकिन यह कि इससे कि अब इस तरह के कृत्य हो रहे हैं तो इस तरह से हम लोग अपने स्टेट लेवल से भी इस तरह का बना सकते हैं, तो बनाएंगे, इसमें टीम बना लेंगे।